कितले दिसान आयज याद जाली काडपाक, कितले दीस जाले सांगता, लायटींग काड लायटींग काड, आयज काडटा पळय. तो ये देखू यहाँ पे प्रसाद मिला है, हल्दी कुमकुम का, चने भी है और ये सिंदूर. कभी भी मैं फ़ोन करती हूँ ना तो मम्मी को पूछती हूँ कि जब भी वेज होता है तो क्या बनाए, ज़्यादातर जो है ना मम्मी यही बोलते हैं ना, वाएंगे चौड़ा खेलना. साढ़े तीन बजे, इतनी धूप रहती है ना बाहर, मतलब इन दिनों जो ना बहुत ही मतलब कड़क धूप आती है, तो पता नहीं कैसे घूम लेते हैं बाइक पे. हाय हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू वन मोर ब्रांड न्यू व्लॉग. तर आज ब्रेस्तार म्हणजे आज थर्सडे, मार्गशीर्ष महिन्यातलो आय थिंक थर्ड ब्रेस्तार हो. हय थर्ड ब्रेस्तार, हांव पुजिना हांगा, बट खुबशी लोक खुबशे जाणागेर ब्रेस्तार पुजता आसतलो. म्हाज्या बी घरा पुजता, म्हटल्यार मम्मीले घरा पुजता. जेन्ना लग्न जावचे पयलीं न्ही, एवरी थर्सडे सकाळ फुडें उठून सा गडबड गडबड चालू आसताली, म्हटल्यार निवळ करूंक जाय घरांक, ब्रेस्तार पुजूंक जाय, हे ते सगळे सदां सकाळ फुडें धांवपळ चालू आसताली, बूक वाचप, पुजा करप. जेन्ना हांव कामांतल्यान घरा येतालें तेन्ना मागीर घरा येवन परत न्हावन धुवन बूक वाचप, आरत्यो करप, हें सगळें चालू आसतालें. आतां सगळीं ही सगळीं न्ही याद येता. पयलीं जेन्ना पळय फुड्यान आसताली पयलू तेन्ना तितलें अशें म्हटल्यार अशें दिसतालें, हांव ब्रेस्तारो घरा वचून बूक वचूं जाय, आरत्यो करूं जाय अशें दिसतालें. पण तेजो इतको इम्पॉर्टन्स, इतको वेल्यू न्ही, जेन्ना पयस वयता पयलू तेन्नाच कळटा. आतां अशें दिसता हांव घरा कडेन आशिल्लें जाल्यार हांव बी बूक वाचताशिल्लें, आरत्यो म्हळ्यार घरा कडेन मम्मी बी आतां आरत्यो बी करता आनी हांव बीन थंय अटेंड जाता आशिल्लें, हांव बी करता आशिल्लें आरत्यो अशें दिसता. बट एवरी टायम एवरी थर्सडेक घरा गांव वचूं शकना. केन्ना एक थर्सडेक वतालें हांव, म्हळ्यार फर्स्ट टायम गेल्लें लास्ट इयर, आमगेर फक्त दोनूच थर्सडे पुजिल्ले पप्पाक लागून. आनी आतां पळोवया ह्या वर्सा कशें कितें जाता तें. तर मुवींग बॅक, आज हो गया थर्सडे, आज थर्सडे है वो भी मार्गशीर्ष महीने का, तो ऑब्वियसली घर में बनने वाला है वेज खाना. वैसे भी जो है ना सुबह के बज रहे 11:15 और एज यूजल जो है ना आज मेरा मतलब जो भी नॉर्मल टाइम पे मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है ना उसी टाइम पे जो है आज मैंने व्लॉग को कर लिया है स्टार्ट 11:15 बजे. नॉर्मली जो है ना इसी टाइम पे मतलब मैं व्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ, जानबूझ कर ऐसे नहीं, मतलब सब घर के काम ये वो सब कुछ निपटाने में जो है ना इतना टाइम तो हो ही जाता है. और आज थर्सडे है, वेज खाना बनेगा, तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक और रेसिपी, मतलब एक नई रेसिपी, बैंगन मसाला ग्रेवी. आमी घराकडे नॉर्मली वांयग्याचे मसाल्याचे तोणाक करता पळय न्हू, ती रेसिपी आज हांव शेयर करता. मम्मी जो है ना, मम्मी को ये वाली रेसिपी जो है ना बहुत पसंद है. कभी भी मैं फ़ोन करती हूँ ना तो मम्मी को पूछती हूँ कि जब भी वेज होता है तो क्या बनाए, ज़्यादातर जो है ना मम्मी यही बोलते हैं ना, वाएंगे चौड़ा खेलना. सो मम्मी को ये रेसिपी जो है ना बहुत पसंद है. ऐसा नहीं कि मुझे पसंद नहीं, पसंद है, लेकिन उतना नहीं कि हाँ बहुत पसंद है बार बार यही बनाओ, उतना पसंद नहीं. बनाते हैं ना तो मैं अच्छे मन से खा लेती हूँ, मतलब अच्छा लगता है खाने में, लेकिन और ये मन से पसंद है ऐसा नहीं है. लेकिन आज जो है ना बहुत 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 टाइम के बाद मैं बनाने वाली हूँ वो रेसिपी, बैंगन का जो मसाला ग्रेवी होता है ना वो वाला बनाने वाली, और वही रेसिपी आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली. इजी रेसिपी है, बहुत ही सिंपल, कम इंग्रेडिएंट के साथ बनने वाली रेसिपी है, कुछ ऐसा तामझाम भी नहीं लगता है, ईजी है, झटपट से बन जाती है. तो वही रेसिपी जो है ना आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ. उसकी जो है ना थोड़ी बहुत प्रिपरेशन मैंने करके रखी है, मतलब चॉपिंग वॉपिंग जो है ना थोड़ा बहुत मैंने करके रखा है ताकि वीडियो शूट करने में जो है ना आसानी हो जाए. चलो चलते हैं किचन में और दिखाती हूँ मैं आप लोगों को कि ये रेसिपी जो है ना कैसे बनती है. तो यहाँ पे ना मैंने थोड़े बहुत चॉपिंग वगैरह करके रखी है, मैं दिखाती हूँ आप लोगों को कि इसके लिए मतलब ये जो रेसिपी है ना वो बनाने के लिए क्या क्या इन्ग्रीडियंट लगते हैं. तो यहाँ पे ना मैंने जो जो भी चीज़ें चाहिए ना वो सब कुछ चॉप करके रखा है, कोकोनट वगैरह ग्रेट कर लिया, ओनियन टोमेटो वो सब. तो जो ना मैं आप लोगों को झट से बता देती हूँ कि इसमें मैंने क्या क्या लिया है. तो यहाँ पे मैंने पहले लिया है फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट, आधा मतलब आधा जो है ना मैंने फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट लिया है. इसके बाद यहाँ पे मीडियम साइज़ का एक ओनियन मैंने स्लाइस करके लिया है, और यहाँ पे दो ग्रीन चिलीज़ को मैंने बीच में से तोड़ कर लिया है. तो ये तीनों चीज़ें जो है ना, ये वाली ग्रीन चिली, कोकोनट और ओनियन, इसे जो ना हमें फ्राई करके बाद में इसे ग्राइंड करके लेना है. और तड़के के लिए यहाँ पे मैंने लिया है एक मीडियम साइज़ का ओनियन बारीक चॉप करके,
एक मीडियम साइज का टोमेटो, दो ग्रीन चिली बीच में से कट करके, और हरा धनिया। हरा धनिया जो है ना थोड़ा सा मैं इसमें पेस्ट बनाते वक्त डालूंगी, और थोड़ा सा जो है ना ऊपर से गार्निशिंग के लिए। और यहाँ पे बैंगन की रेसिपी है, तो बैंगन तो लगेगा ही। यहाँ पे छोटे छोटे मेरे पास बैंगन थे, तो चार बैंगन जो है ना मैंने लिए है। इसे जो है ना स्लाइसिस में इस तरह से कट कर लिया है। आप चाहे तो पीछे से इसका जो छिलका है ना वो भी निकाल सकते हैं, मैंने छिलका ऐसे ही रखा है। समकी तन्नी अशी आशिली, बारीक आणि तन्नी अशी, साल काढली आल्या मागे ती रोकडी घळघळून पडता नी, त्याका लागून साल तशी तोलल्या। और यहाँ पे मैंने लिया है एक पोटैटो स्मॉल साइज का, और इसे भी जो है ना यहाँ पे मैंने ऐसे लंबे स्लाइसेस में कट कर लिया। आपको जिस तरह से पसंद हो ना आलू और बैंगन, आप उस तरह से कट कर सकते हैं। मैंने लंबा कट कर लिया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी लंबा ही कट कर लो। आपको अगर स्क्वायर क्यूब्स में चाहिए ना तो आप उस तरह से बना सकते हो। और यहाँ पे जो मैंने पोटैटो लिया है ना, इसके जगह आप चाहे तो कॉलीफ्लावर भी डाल सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन बैंगन की क्वांटिटी जो है ना वो ज़्यादा होनी चाहिए एज कम्पेयर टू कॉलीफ्लावर या फिर पोटैटो। और फिर यहाँ पे मैंने लिए थोड़े बहुत मसाले, नमक, होममेड गरम मसाला, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, कोरिएंडर पाउडर और जीरा पाउडर, और थोड़ी सी यहाँ पे मैंने ली है कसूरी मेथी। आप चाहे तो डाल सकते हैं, नहीं चाहे तो नहीं डाला तो भी चलेगा। मेरे पास है कसूरी मेथी अवेलेबल, तो इसीलिए जो है ना मैंने ली है। और फिर जो है ना यहाँ पे मैंने लिया है बटर आइसक्रीम के डब्बे में, तो बटर जो है ना मैं इस तरह से स्टोर करके रखती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लिया है बटर तड़का रेडी करने के लिए। घी के साथ जो है ना मैं थोड़ा सा बटर डालूंगी। तो ये थे इसके इंग्रेडिएंट, मसाला और बाकी का सब कुछ। तो चलो पहले जो है ना इसे बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले गैस को ऑन करते हैं, और उस पर जो है ना एक पैन या फिर कढ़ाई को हम करेंगे गरम। तो मेरा पैन यहाँ पे हो चुका है गरम। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, तो हमारा तेल जो है ना यहाँ पे अच्छे से गरम हो चुका है। अब हम इसमें डालेंगे स्लाइस ओनियन। ओनियन को ना हम हल्का सा ब्राउन होने तक इसमें फ्राई करके लेंगे। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख ही सकते हैं कि हमारा ओनियन जो है ना वो हल्का सा ब्राउन हो चुका है। तो अब हम इसमें डालेंगे फ्रेशली ग्रेटेड कोकोनट। और साथ ही साथ जो ग्रीन चिलीज हमने रखी थी ना बीच से तोड़कर वो, और थोड़ी सी ग्रीन कोरिएंडर, इन सबको करेंगे मिक्स। कोकोनट जो है ना थोड़ा सा ब्राउन होने तक हम इसे इसी तरह से फ्राई करके लेंगे। तो ये देखो यहाँ पे हमारा कोकोनट जो है ना वो हो चुका है फ्राई, पूरा जो है ना कोकोनट हमारा ड्राई हो चुका है अभी। तो गैस को करते हैं ऑफ, और इसे जो है ना ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। और एक बार जब ये ठंडा हो जाए ना तो इसकी जो है ना हम पेस्ट बना कर लेंगे हल्का सा पानी डालकर। तो ये हो गई हमारी यहाँ पे पेस्ट रेडी। यहाँ पे इसमें जो है ना मैंने सिर्फ फ्राई करके ओनियन, कोरिएंडर और कोकोनट लिया था ना उसी की पेस्ट बनाई, और कुछ नहीं डाला है अलग से। तो अभी जो है ना ये पेस्ट हो चुकी है यहाँ पे रेडी। अब हम करेंगे अपना तड़का रेडी। ये हो गया यहाँ पे हमारा पैन गरम। अब इसमें डालेंगे थोड़ा सा तेल, एक बड़ा चम्मच इतना यहाँ पे मैंने तेल ले लिया है। उसी के साथ थोड़ा सा बटर। बटर जो है ना पूरा ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है चाहिए तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप जो है ना पूरा तेल के साथ भी बना सकते हैं। आप लोग तो जानते ही हैं मुझे जो है ना हर चीज़ में बटर लगता है, मुझे पसंद है बटर का टेस्ट, तो इसीलिए जो है ना मैं बटर डालती हूँ। यहाँ पे मैंने लिया है हाफ टेबल स्पून इतना बटर।
बटर अच्छे से मेल्ट होने के बाद हमारा जो नॉर्मल तड़का है ना वो थोड़े सा उड़द दाल, थोड़ी सी चुटकी भर मेथी के दाने और थोड़ा सा जीरा। मैं यहाँ पे ना इसमें मस्टर्ड सीड्स नहीं डालूँगी, और चाहे तो आप यहाँ पे इसमें मस्टर्ड सीड्स भी डाल सकते हैं और कड़ी पत्ता भी डाल सकते हैं। मुझे कड़ी पत्ता और मस्टर्ड सीड्स इस वाली ग्रेवी में पसंद नहीं है तो मैं नहीं डालूँगी। जीरा और बाकी के चीज़ें जो है ना वो अच्छे से क्रैकल होने के बाद अब हम इसमें डालेंगे बारीक चॉप किया हुआ ओनियन। ओनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक इसमें करेंगे फ्राई। यहाँ पे ओनियन हो चुका है अच्छे से फ्राई। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर और साथ ही साथ ग्रीन चिली। ये रही ग्रीन चिली और टमाटर, इसको करेंगे अच्छे से मिक्स। और टमाटर जो है ना हल्का सा मेल्ट होने तक हम इसमें कुक करके लेंगे। टमाटर हो चुका है मेल्ट, मतलब लगभग जो है ना मेल्ट होने लगा है। तो अब हम इसमें डालेंगे सारे मसाले, इन सबको जो है ना अब हम डालेंगे पैन में और इसको करेंगे मिक्स। तो यही हो चुका है अच्छे से मिक्स। अब मैं इसमें डालूंगी स्लाइसेस किए हुए पोटैटो, आलू जो कि हमने स्लाइस करके पानी में डाल के रखे थे। इसमें मैं डालूंगी थोड़ा सा पानी ताकि आलू जो है ना वो अच्छी तरह से पक जाए। इसमें ऑलमोस्ट आलू 50% कुक होने तक हम इसको पकाएंगे अभी इसमें। आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी से जो है ना ग्रेवी का टेक्सचर कितना अच्छा आया है। तो इसको जो है ना आलू को जो है ना अभी हम एक 5 मिनट के लिए या फिर 50% तक कुक होने तक पकाएंगे। अगर आपको ज़रूरत लगी तो पानी आप थोड़ा सा और भी डाल सकते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा आलू जो है ना ऑलमोस्ट 50% तक कुक हो चुका है। तो फटाफट से अब हम इसमें डालेंगे ब्रिंजल यानी कि बैंगन। ये रहा यहाँ पे इसमें बैंगन। इसको करेंगे मिक्स। और बैंगन को ना इसमें अब हम पकने देंगे। अगर चाहे तो आप और थोड़ा सा पानी डाल सकते हो या फिर बीच में जब आप इसे चेक करोगे ना तब भी डालेंगे तो चलेगा। ज़्यादा पानी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ग्रेवी जो है ना बाद में एकदम पतली बन जाती है। तो इसे जो है ना ढककर मैं पूरा कुक होने तक पकाऊंगी। ये देखिए यहाँ पे हमारा आलू और बैंगन दोनों चीज़ें जो है ना अच्छे से पक चुकी है। अब हम इसमें डालेंगे पेस्ट जो कि हमने कोकोनट और ओनियन के साथ बनाई है। इसमें जो है ना थोड़ा सा पानी डालेंगे। इसको करेंगे मिक्स। अपने हिसाब से इसमें पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब आपको कितना पतला पसंद है, आपको कितना ठीक रखना है इसकी ग्रेवी, उस हिसाब से जो है ना आप इसमें पानी कम ज़्यादा कर सकते हैं। मेरी ग्रेवी की कंसिस्टेंसी जो है ना इस तरह से रखी है मैंने, ना ज़्यादा पतली ना ज़्यादा गाढ़ी। तो इसको ना अब हम एक उबाल आने के लिए रख देते हैं।
ये देखिए यहाँ पे हमारे ग्रेवी में आने लगा है उबाल, तो ऊपर से अब हम डालेंगे कोरिएंडर, खूब सारा कोरिएंडर। इसको हल्का सा मिक्स करते हैं और यहाँ पे ना हमारा बैंगन का मसाला ग्रेवी बनकर हो चुका है रेडी। और स्मेल जो है ना इसकी इतनी अच्छी आ रही है ना, ऐसे लग रहा है कि थोड़ी सी जो है ना अभी खा के देखूँ करके। मैंने टेस्ट भी किया था नमक के लिए, मतलब नमक सही है या नहीं ये चेक करने के लिए थोड़ा सा जो है ना टेस्ट किया था, और जो है ना इतनी टेस्टी और यम्मी बनी है ना कि पूछो ही मत। ये देखो यहाँ पर इसकी कंसिस्टेंसी और हमारा बैंगन और हमारी बैंगन की मसाला ग्रेवी जो है ना बनकर हो चुकी है रेडी। ये देखो यहाँ पे देखने में ही जो है ना इतनी यम्मी लग रही है ना कि ऐसा लग रहा है अभी थोड़ी सी खा जाऊ करके, मन ही नहीं मान रहा है। इतनी अच्छी और यम्मी हुई है ना ग्रेवी, मसाला ग्रेवी यहाँ पे, कि इसकी जो स्मेल आ रही है ना एक इतनी अच्छी खुशबू से जो ना सीधा भूखी लग गई मुझे। तो टाइम तो अभी तक हुआ नहीं खाने का, 12:30 या 1:15 कुछ बज चुके हैं, लेकिन जो है ना स्मेल से भूख लगने लगी है। पहले जो है ना फटाफट से इनको कॉल कर लेती हूँ, देखती हूँ कहाँ तक पहुँचे और बाद में जो है ना खाना वगैरह खाते हैं। इनको देखो यहाँ पे दोपहर को आए थे 1:15 बजे कुछ, और अभी जो है ना वापस जा रहे 3:30 बजे। इतनी धूप रहती है ना बाहर, मतलब इन दिनों जो है ना बहुत ही मतलब कड़क धूप आती है, तो पता नहीं कैसे घूम लेते हैं बाइक पे। कार क्यों चल रहे है? सुबह भी बुलेट लेके गए थे और अभी जो है ना वापस बुलेट लेके जा रहे हैं। अभी जो है ना शाम को आएंगे 5 बजे, आकर फिर वॉकिंग पे जाएंगे। इनका अभी बिजी रूटीन चालू है इन दिनों, भाई साहब बहुत ही बिजी रहते हैं। घाल तो गया सगळा संसार, एक आणि दोन हत्यार नाथ सेफ्टी। अभी देखो हाँ आप लोग गुंडा डॉन बना लोगों को 4 बजे का टाइम दिया तो लोग 3:30 बजे ही आकर इनको वापस कॉल करते हैं, मैं आ गया तु 4:30 सांगले आला ना 3:30 नको येऊन आणि किती सांगपते पावलं म्हणून आणिक चलो इनको बाय बाय करते हैं और हम भी चलते हैं अंदर, थोड़ा सा काम करेंगे और फिर इनके आने के बाद मिलेंगे। बाय बाय। अब आप लोग सोचोगे कि मैं रेडी होकर आकर आखिर जा कर आ रही हूँ, तो मैं जा नहीं रही हूँ, मैं जाकर आई हूँ। मैं गई थी हल्दी कुमकुम में, मार्गशीर्ष हल्दी कुमकुम है ना, तो यहाँ पे नीचे साइड जो है ना हमारे यहाँ पे हल्दी कुमकुम था किसी का, तो उनके यहाँ पे बुलावा था मुझे हल्दी कुमकुम के लिए, तो वहीं पे गई थी। तो जो है ना फटाफट से रेडी होकर जल्दी जल्दी में मैं निकल गई और अब जाकर जो ना आकर आप लोगों को बता रही हूँ कि मैं जाकर आ गई हूँ करके। और जस्ट 5 मिनट का एक काम था जाकर, मार्गशीर्ष महीने का गुरुवार स्थापना थी, वहाँ पे भगवान मतलब माता जी को बिठाया था, तो वहाँ पे जाकर हाथ जोड़कर हल्दी कुमकुम लेकर वापस आ गए। और जो है ना मैं गई थी ये वाली साड़ी पहन के, और हल्दी कुमकुम में जो है ना मुझे मिला है प्रसाद, तो ये देखो यहाँ पे प्रसाद मिला है हल्दी कुमकुम का, चने भी है और ये सिंदूर
श्रृंगार का सामान देते हैं ना, तो इन्होंने जो है ना सिंदूर दिया है। शाम के ना 6:15 बज चुके हैं और जब ये आए थे ना तब मैं गई थी। इनके आने के बाद जो है ना फटाफट से मैं रेडी होकर गई थी, तो ये जो है ना निकल गए तभी, मतलब आकर जल्दी जल्दी में निकल गए वॉकिंग के लिए, अभी आ जाएंगे। और मुझे जो है ना अभी साड़ी में लग रही है गर्मी, क्योंकि जल्दी जल्दी में रेडी होकर वहाँ पे भी गए थे ना चलकर वगैरह, तो गर्मी लग रही है। तो पहले जो है ना चेंज वगैरह करती हूँ और थोड़ी देर बाद जो है ना इनके आने के बाद आप लोगों से मिलती हूँ। कितले रात झाले पाहिजे आता पण दाखा कितले दिसान आज याद झाली काढपा, कितले दिस झाले सांगता, लाइटिंग काढ लाइटिंग काढ, आज काढता पण पंडा के रे आज काढता ते बी आता है टाइम इतले रातचे।